बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाई समरफील्ड एंड बलोच। यह थ्योरी कहती है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। और मेटल में, चूंकि एक मेटल के छोटे पीस में भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, अब हर एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल है, इट मीन इन केस ऑफ मेटल देयर आर एन नंबर ऑफ एटम्स एंड दे हैव एन नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दे विल ओवरलैप टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी, उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज़्यादा होती है, उन्हें कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ओवरलैप के दौरान सेम वेव साइन वाली लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। उस केस में इलेक्ट्रॉन वेव की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, इलेक्ट्रॉन वेव की क्रस्ट क्रस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ मिलती हैं एंड दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर अब डिफरेंट लोब्स वाले ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएं देन इन दैट केस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म एंड इन दैट केस electrons of different wave sign overlap with each other. अब different wave sign वाले electron की waves में destructive interference होगी and that will give rise to anti-bonding molecular orbital. ये देखिएगा, ये pi bond बन रहा है, ये जो red lobes हैं इनमें electron का wave sign डिफरेंट है देन दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन ब्लू लोब। ये कलर हमने जस्ट अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें शो किए हैं, अदरवाइज ये ना समझिएगा कि पी ऑर्बिटल में एक लोब रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है। ये जस्ट ये शो किया है कि जो रेड कलर की लोब्स में इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का वेव साइन सेम है, तो जब रेड ओवरलैप रेड लोब्स एक ऑर्बिटल की रेड लोब दूसरे ऑर्बिटल की रेड लोब से ओवरलैप करेगी तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि वेव साइन सेम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और जब डिफरेंट लोब ओवरलैप करेंगी, यहाँ पर देखें रेड लोब ब्लू से ओवरलैप कर रही है तो इन दोनों में मौजूद इलेक्ट्रॉन का वेव साइन डिफरेंट है, इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन वेव का क्रस्ट दूसरी इलेक्ट्रॉन वेव के ट्रफ से ओवरलैप करेगा। दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इट विल प्रोड्यूस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मेटल देयर इज एन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितना एटम्स ज़्यादा होंगे उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल भी ज़्यादा होंगे और उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन ये सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स के लिए है।
जो इनर ऑर्बिटॉल्स हैं ये बॉन्डिंग में ओवर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इनर एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल बनाएंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स वेलस बॉन्ड से, वेलस शेल से बिलोंग करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स ऑफ वेलस शेल विल ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। मेटल्स की चूंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इट मीन लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल स्पेस इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। मेटल का अगर छोटा सा भी पीस है तो देयर विल बी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन एटम्स एंड देयर विल बी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन एटॉमिक ऑर्बिटॉल एंड दे विल फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। इट मीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल इज कॉल्ड बैंड। देयरफॉर दिस थ्योरी इज कॉल्ड बैंड थ्योरी। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी को जब हम मेटल्स पर अप्लाई करते हैं तो हम इसे बैंड थ्योरी कहते हैं। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी को नॉन मेटल्स पर अप्लाई किया जाता है उस वक्त इसे बैंड थ्योरी नहीं कहा जाता, लेकिन जब इस थ्योरी को हम मेटल्स पर अप्लाई करते हैं देन दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड, बिकॉज मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेटल के स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में भी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और जहाँ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हों वहाँ उतने ही देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स एंड देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स एंड दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल इज कॉल्ड बैंड। देयरफॉर दिस थ्योरी इज कॉल्ड बैंड थ्योरी। अब दोबारा देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल की, जिसको वेलेंस शेल कहते हैं, और वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वेलेंस इलेक्ट्रॉन। वेलेंस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटॉल एनर्जी सबसे ज़्यादा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव हाईएस्ट ऑर्बिटॉल एनर्जी बट द लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? इनकी बाइंडिंग एनर्जी इसलिए लोएस्ट होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, न्यूक्लियस की ग्रिप इन पर बहुत वीक है, देयर इज वीक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन दीज इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी, दीज आर द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट अफेक्टेड व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही होते हैं, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ड्यू टू रिपल्शन एंड ड्यू टू अट्रैक्शन। तो व्हेन एवर एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जब दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो जो लोग बॉर्डर के करीब रहते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। सिमिलरली जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, चाहे उनमें अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उसका सबसे ज़्यादा असर वेलेंस इलेक्ट्रॉन पे होता है। द वेलेंस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल ऑक्यूपाइड बाय वेलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वेलेंस बैंड। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल को कहा जाता है वेलेंस बैंड। हमने पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटॉल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल बनाएंगे, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल चूंकि एक दूसरे के बड़े करीब करीब होते हैं, द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल इज कॉल्ड बैंड। और वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स में होते हैं उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल के ग्रुप को कहा जाता है वेलेंस बैंड। द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल ऑक्यूपाइड बाई वेलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वेलेंस बैंड। ये वेलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या पार्शली फिल्ड होते हैं, बट दे आर नेवर एम्प्टी, ये ध्यान में रखिएगा। द वेलेंस बैंड आर आइदर कंप्लीटली फिल्ड आर पार्शली फिल्ड बट दे आर नेवर एम्प्टी। अब जो इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड से निकल जाते हैं
वेनस बैंड के मलेकुलर ऑर्बिटल से ऊपर भी कुछ मलेकुलर ऑर्बिटल हैं जो एम्प्टी होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड से निकल के उन ऑर्बिटल में जाते हैं, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच हैव लेफ्ट वेलेंस बैंड आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। दे आर लूजली हेल्ड विथ न्यूक्लियस। These electrons are called conduction electron, and the molecular orbital in which these conduction electrons are present is called conduction band. The group of molecular orbital occupied by conduction electron are called conduction band. Conduction band may be empty or partially filled, but they are never completely filled. ये दो बातें ज़हन में रखिएगा। Valence band के बारे में हमने कहा कि they are completely filled or partially filled, but they are never empty. और कंडक्शन बैंड के बारे में हम कह रहे हैं दे मे बी एम्प्टी आर पार्शली फिल्ड बट दे आर नेवर कम्प्लीटली फिल्ड। वेलेंस बैंड एम्प्टी नहीं हो सकते और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो सकते। अलबत्ता वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों पार्शली फिल्ड हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो मेटल के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है। यस, इलेक्ट्रॉन का वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाना ऐसे ही है जैसे हम घर से निकल के सड़क पे पहुंच जाएं। जब कोई इंसान घर से निकल के सड़क पे पहुंच जाए तो फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, लेकिन अगर किसी को घर में ही नज़रबंद कर दिया जाए, अगर कोई घर से बाहर ही ना निकल सके तो फिर वो कहीं भी नहीं जा सकता। तो जब तक इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड में रहता है ही कैन गो एनी नो वेयर, ही कैन नॉट गो एनी वेयर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाए देन ही कैन गो एनीवेयर। द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड मूव फ्रीली एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिएगा, सोडियम की एग्जांपल लीजिए। सोडियम में 1s 2 2s 2 2p6, ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे नहीं। 3s 3px 3py, ये पार्शली फिल्ड है और ये वेलेंस, ये 3s 3px 3py 3pz, ये वेलेंस ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि ये वेलेंस शेल में है। इनमें 3s पार्शली फिल्ड है, 3px, 3py, 3pz ये एम्प्टी है। अब 3s ये वेलेंस बैंड बनाएगा। जब सोडियम एटम एक दूसरे के करीब आएंगे उनके 3s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके वेलेंस बैंड बनाएंगे, लेकिन वेलेंस बैंड से ऊपर ये 3px, 3py, 3pz ये भी एम्प्टी हैं और ये भी वेलेंस शेल में हैं। बट दे विल फॉर्म कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन अगर को अगर एनर्जी मिले ये 3s से जंप करके 3px, 3py, 3pz में जा सकता है। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल के जो मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं दे विल फॉर्म कंडक्शन बैंड। द मोलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओवरलैप ऑफ 3s ऑर्बिटल इज कॉल्ड वेलेंस बैंड, एंड मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप ऑफ 3px, 3py, 3pz ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो सोडियम के केस में 1s, 2s एंड 2p ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इन सोडियम द बैंड ओरिजिनेटिंग फ्राम 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। 3s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड को पार्शली फील्ड भी कहते हैं। 3s ऑर्बिटल पार्शली फील्ड है, इट मेक्स वेलेंस बॉन्ड। 3s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से वेलेंस बैंड बनेगा। अब इसके बाद जो 3px, 3py, 3pz ऑर्बिटल है, द बैंड फॉर्म्ड बाई एम्प्टी 3p ऑर्बिटल्स, जो 3p ऑर्बिटल्स हैं
3p ऑर्बिटल तीन तरह के हैं, 3px, 3py एंड 3pz। इनके मलेकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे कंडक्शन बैंड। द ग्रुप ऑफ मलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओवरलैप ऑफ 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी का गैप नहीं होता। इन मेटल देयर इज नो गैप, देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ टू बैंड्स। मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। देयर require very small amount of energy to jump from valence to conduction band। तो room temperature पर ही electron के पास इतनी energy होती है कि वो valence band से conduction band में जा सकते हैं। There is no forbidden gap of energy। इसलिए metals are very good conductors of electricity because in metals electron can easily go from valence band to conduction band। There is no forbidden energy zone in metals। Therefore metals are very good conductors of electricity। non-metal का मामला इससे बिल्कुल उलट है। non-metal में valence band और conduction band में there is wide gap of energy। in non-metal there is wide energy gap between valence band and conduction band। therefore electron require large amount of energy to jump from valence to conduction band and this gap is called forbidden zone। इसलिए क्योंकि नॉन मेटल में फॉरबिडन एनर्जी जोन बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। देयरफॉर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होते हैं, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फासला भी बहुत ज़्यादा है। In non-metal, valence bands are completely filled, conduction bands are empty, and there is large gap between valence band and conduction band. Therefore, electron cannot easily go from valence band to conduction band. Therefore, non-metals are poor conductor of electricity. Semi-metals या metalloid, इनका मामला intermediate है। In semi-metal, there is low energy gap between valence band and conduction band. सेमी मेटल्स में मेटलाइड में एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप ना तो इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ना जा सकें, ना ही ये गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाए। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देयरफॉर सेमी मेटल्स आर सेमी कंडक्टर्स। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना तो मेटल्स की तरह बहुत ज़्यादा है और ना ही मेटल नॉन मेटल्स की तरह बहुत कम है। देयरफॉर मेटलाइड्स आर सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड है। सेमी कंडक्टर्स है पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड एंड पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, and there is very small energy gap between valence band and conduction band, therefore electrons can easily jump from valence band to conduction band। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसके राउंड अबाउट एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। जीरो केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर सेमी मेटल्स नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन जाहिर है रूम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से बहुत ज्यादा है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर दे आर सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी मेटल्स आर नॉन कंडक्टर एट जीरो केल्विन, बट बिकॉज एट जीरो केल्विन एट जीरो केल्विन वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड।
जीरो केल्विन पर इलेक्ट्रॉन वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, देयर फोर एट जीरो केल्विन सेमी मेटल्स आर नॉन कंडक्टर, बट एट रूम टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वेलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देयर फोर दे बिकम कंडक्टर। तो सेमी मेटल्स जीरो केल्विन पर नॉन कंडक्टर होते हैं और रूम टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर होते हैं। ये देखिएगा, ये मामला है मेटल का। वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखें, ये ब्लू ये वेलेंस बैंड है और ऑरेंज कंडक्शन बैंड है। अब यहां देखिए, वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, देयर फोर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वेलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। नॉन मेटल में ये एनर्जी का गैप ज़्यादा है, वेलेंस बैंड अलग है, कंडक्शन बैंड अलग है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए है वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। अब यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर। और ये है सेमी कंडक्टर जो राइट साइड पे। राइट साइड पे सेमी कंडक्टर्स हैं, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन हैं और वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप भी इतना ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वेलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसलिए सेमी कंडक्टर्स की, सेमी मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, लेकिन सेमी मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। अब यहां ये देख लें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमी मेटल्स। और जो सेमी मेटल्स होते हैं ये एक्चुअली सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंक्रीज विद टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से चूंकि वेलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखें, अगर हम इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से एक्सप्लेन करें, लेफ्ट साइड पर मेटल्स हैं, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। और इंसुलेटर्स ये नॉन मेटल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हैं विद न्यूक्लियस, दे आर नॉट मूविंग फ्रीली, देयर फोर दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और राइट साइड पर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हैं, लेकिन जो जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए सेमी कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से गुड कंडक्टर बन जाते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से भी एक्सप्लेन करेंगे और इसी फिनोमिना को हम मलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेन करेंगे। ये एक और डायग्राम देखें, मेटल्स में मेटल्स आर कंडक्टर्स और कंडक्टर में वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज नो बैंड गैप। एनर्जी गैप बिटवीन वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। ये बैंड गैप मेटल्स में कंडक्टर्स में नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन ईजिली वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं।
सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट है एंड इट इज कॉल्ड नैरो बैंड गैप। इलेक्ट्रॉन कैन जंप एट हायर टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर सकते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, लेकिन जब आप उसे हीट देते हैं, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एट हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। नॉन मेटल्स और इंसुलेटर, इनमें बैंड गैप ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक बैंड गैप है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, देयरफॉर नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स। नाउ लुक अनदर डायग्राम। राइट साइड पर कंडक्टर हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। In middle there is semiconductor, there is some band gap and electron can jump from valence band to conduction band at high temperature. And in insulators there is wide band gap between valence band and conduction band. Lithium में the band originating from 2s orbital makes valence band and it is half filled, and band formed by 2p orbital is called conduction band that is completely filled. ye iski configuration once again dekhen lithium ki। ये देखिए लिथियम में 1s ऑर्बिटॉल, ये इनर ऑर्बिटॉल है, ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। 2s ऑर्बिटॉल ये वैलेंस बैंड बनाएगा, और 2px 2py 2pz एटॉमिक ऑर्बिटॉल, इनके ओवरलैप से जो मलेकुलर ऑर्बिटॉल बनेंगे दे विल फॉर्म कंडक्शन बैंड। इन लिथियम 2s ऑर्बिटॉल इज हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड। The band formed by 2p orbital is called conduction band. In metal, energy gap between valence band and conduction band is small. Therefore, electron can easily jump from valence band to conduction band. अब सोडियम को देखें। In case of sodium. सोडियम में 1s, 2s एंड 2p ऑर्बिटॉल, ये इनर ऑर्बिटॉल्स हैं, ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। 3s ऑर्बिटॉल ये पार्शली फिल्ड है, या इसको आप कह लेंगे ये हाफ फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा और ये वैलेंस बैंड बनाएगा। 3px, 3py, 3pz ये कंडक्शन बैंड बनाएंगे। द बैंड फाउंड बाई 3p ऑर्बिटॉल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, हमने मेटल्स की बॉन्डिंग को ब्रीफली डिस्कस किया, इसे समझने की कोशिश करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपका हम नासर हो। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मटीरियल्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग पॉलीमर्स, एडिबल पॉलीमर्स, बुलेट प्रूफ पॉलीमर्स, स्मार्ट पॉलीमर्स, नैनो मटेरियल एटसेट्रा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।